नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज दिनांक 21 फरवरी 2019 को आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी का प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आसानी से। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है भाइयों एवं बहनों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाला ऑप्शन दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे डाउनलोड करना है आपको कानपुर यूनिवर्सिटी का जो है एडमिट कार्ड, तो सिंपली आपको क्या करना है साथियों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है आपको ये जो दिख रहा है कानपुर यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2019, ये टाइप करना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस पर ये टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला लिंक दिखाई देगा ये वाला, तो इस पर क्लिक करना है csjm कॉलेज एडमिट कार्ड कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप नाम के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं साथियों कि यहां पे क्लिक हेयर टू सर्च फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए इस पे क्लिक करें आपको नहीं पता है तो। उसके बाद आपको यहां पे एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप इसमें प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्लास टाइप, ऐसे बीए है या बीए सेकंड ईयर है या बीए फर्स्ट सॉरी बीए फाइनल है या बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो भी हो आपका, ठीक है, इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे बीए फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, जैसे अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार, तो मैं यहाँ पर सर्च मारूँगा अजय कुमार टाइप करके, ठीक है। तो अजय कुमार नाम की देखें बहुत सारी लिस्ट खुल चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट खुल चुकी है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं खुल चुकी है। तो आपको यह रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना है आपके, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला कॉपी कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैक टू एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, बैक टू एडमिट कार्ड, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस उसी साइट पर आ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लास टाइप करना है, उसके बाद बी ए फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना है, उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दे गई, यहाँ पर देख सकते हैं इनका सेंटर कहाँ पर गया है, देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर है, इनका नाम दिया गया है, यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, जेंडर मेल, एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, मदर नेम फादर नेम मैच कर लें, ठीक है, फ़ोटो देख लें, सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं कि साथियों हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।